अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में सर्च करना आपको मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि बॉलीवुड के कई सेलेब्स का नाम मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटी लिस्ट 2020 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में तब्बू, तापसी पन्नू, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, सारा अली खान, शाहरुख खान का नाम शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लिस्ट अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी मैकएफी की ओर से जारी की गई है। बताया जा रहा है कि जब कोई यूजर इन सेलेब्स के बारे में सर्च करता है तो यूजर मैलवेयर साइट्स पर डायरेक्ट हो रहे हैं, जो खतरनाक है। अजय देवगन के छोटे भाई अनिल देवगन का निधन। अजय ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दुखद खबर शेयर की। सेलिब्रिटीज अजय को सांत्वना देने के साथ अनिल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रियंका चोपड़ा ने ब्लैकमेल के समय को याद करते हुए एक ट्वीट किया। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ लगाए गए अपने आरोपों को लेकर 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से मुलाकात की। मीटिंग के बाद उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पोस्ट की। अभिनेत्री ने इन फोटो को कैप्शन दिया, मैं रेखा शर्मा मैडम और राष्ट्रीय महिला आयोग का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे साथ खड़े हैं। जब कुछ महिलाओं ने गिद्ध का पक्ष लेने का निर्णय लिया तो इस संगठन ने मेरा साथ दिया। शबाना आजमी बोली, एक्टिंग पर ध्यान दे कंगना रनौत। बहन रंगोली ने किया पलटवार। रंगोली चंदेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शबाना आजमी को कुछ सवाल पूछे। रंगोली लिखती है, फिर एक्टिव हो गई है सुइसाइड गैंग। शबाना जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप बताना चाहेंगी कि आप और आपके पति हमेशा भारत विरोधी राजनीति में क्यों सक्रिय रहते हैं? क्यों आप दोनों सिर्फ अपनी शायरी और एक्टिंग पर ध्यान नहीं देते? कहीं उन मुद्दों पर सहमत तो नहीं है? अगर आपका भारत विरोधी एजेंडा जायज है तो कंगना का भी भारत के सपोर्ट में दिख रहा स्टैंड एकदम सही क्यों नहीं हो सकता? दोनों के लिए अलग नियम कैसे हो सकते हैं? सारा अली खान की मदद ना करने की अफवाहों पर बोले सैफ अली खान। बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में सैफ ने अपने बच्चों को लेकर कहा कि वो हमेशा उनके साथ है और वो अपने तीनों बच्चों से प्यार करते हैं। वेल, ऐसे खबरें आ रही थी कि सैफ अली खान अपनी बेटी सारा की ड्रग केस को लेकर मदद नहीं कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को मिली बेल। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जुड़े ड्रग्स मामले में 28 दिनों से जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को आज जमानत मिल गई है। रिपोर्टेडली शोभे की जमानत याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को 1,00,000 के निजी मुचलके पर बेल मिल गई है। इस पर आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने ट्विटर पर रिएक्ट किया। तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा ने भी ट्वीट किया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ डाउटफुल एविडेंसेस नहीं मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सुशांत के सभी बैंक खातों में पिछले 5 साल के दौरान 70 करोड़ का लेन देन हुआ, जिसमें से सिर्फ 55,00,000 रुपए ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े पाए गए हैं। ज्यादातर पैसा यात्रा, स्पा और गिफ्ट खरीदने पर खर्च किया गया था। फरहान अख्तर ने आर्टिकल शेयर कर मीडिया पर साधा निशाना। हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को शर्तों के साथ जमानत दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि रिया को 10 दिनों में एक बार पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी होगी और जेल से रिहा होने के बाद अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। कोर्ट ने कहा कि वो बिना अनुमति के विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती है और मुंबई छोड़ने से पहले जांच अधिकारी को सूचित करना होगा। ड्रग्स मामले में एनसीबी के पूछताछ के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण शकुन बत्रा की फिल्म के लिए गोवा वापस लौट चुकी है। एनसीबी के पूछताछ के लिए दीपिका मुंबई आई थी और उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। वहीं अब दीपिका वापस गोवा पहुंचकर अपना हिस्सा शूट करेंगी। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की इस तस्वीर से नजरें हटाना मुश्किल। सुहाना ने ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जो कि चंद घंटों में वायरल हो गई। उनका कैमरे को देखकर पोज देना वाकई शानदार है।
है।